यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और नीचे की तरफ कट लगकर डिलीवरी हुई है जिसको कि एपिजियोटमी स्कार बोलते हैं और अब उसके टाखों में आपको दर्द हो रहा है और आपको ये भी टेंशन हो रही है कि उनकी केयर कैसे की जाए, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद अपने टाखों का ख्याल कैसे रखा जाए। जो नीचे टाँके लगाए जाते हैं वो नीचे एक बच्चेदानी का जो मुँह होता है यानी इंट्रोइटस होता है, योनि द्वार होता है, उसका साइज बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि बच्चा आराम से बाहर डिलीवर हो सके। और कट इसलिए लगा दिया जाता है कि यदि बच्चा आ रहा है, बच्चा फंसता है तो उस टाइम हमारा टाइम खराब ना हो और बच्चे को हम सेफली डिलीवर आउट कर सके और आपका जो योनि द्वार है वो फट ना जाए, क्योंकि कोई भी फटी हुई चीज़ को रिपेयर करना बहुत मुश्किल पड़ता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में कटी हुई है तो अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं, कॉस्मेटिकली बेटर होती है और आगे चलकर हीलिंग भी बहुत अच्छी होती है। और हीलिंग अच्छी होती है तो आपको दर्द नहीं होता है, सूजन नहीं आती है और आगे चल के डिलीवरीज कराने में तकलीफ भी नहीं आती है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है इस एपिजियोटमी का कि आपका पेल्विक फ्लोर जो यानी कि नीचे का जो एरिया है वो डैमेज नहीं होता है, जिससे कि आगे चलकर आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की समस्या नहीं होती है या प्रोलैप्स की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसलिए एपिजियोटमी स्कार देना बहुत ज़रूरी होता है लेकिन उसकी केयर करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब भी आपके टाँके लगे हैं तो सबसे पहला जो टिप है कि आप पैर जोड़कर बैठिए, इस तरीके से पैर रख के बैठिए। इस तरीके से यदि आप आलती पालती बनाकर बैठेंगे तो टाँकों पर खिंचाव पड़ता है, जैसे कि अगर आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर ये पैर इस तरीके से हैं तो डेफिनेटली इनमें यहाँ पे टाँकों पे खिंचाव नहीं है, लेकिन जैसे आप इनको खोलेंगे तो यहाँ टाँकों पे खिंचाव पड़ेगा और खिंचाव पड़ने के कारण टाँके खुल सकते हैं, टूट सकते हैं, फट सकते हैं, तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए आप आलती पालती बनाकर ना बैठिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है कि नीचे की टाँकों पर हम किसी प्रकार की पट्टी नहीं करते हैं, तो जब भी आप सूसू जाते हैं या पॉटी जाते हैं तो टाँके खराब हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं या उन पर इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप टॉयलेट जाती हैं, बाथरूम जाती हैं, तो नीचे के टाँकों को अच्छे से वॉश करना है सिंपल पानी से। उसके बाद आप डेटॉल, सेवलॉन या कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि उनका हाइजीन मेंटेन रहे। और गीला होने के बाद में टाँकों को डैब करके साफ रखना, सूखा रखना है। और यदि ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग वहाँ आसपास जमा नहीं हुए तो आपको पैड अपना टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है, क्योंकि ब्लीडिंग जनरली नॉर्मल डिलीवरी के बाद काफ़ी दिन तक ब्लीडिंग भी होती रहती है जिससे कि टाँकों के ऊपर ब्लड जमा रहता है। और जब ब्लड होता है वो सबसे बढ़िया कल्चर मीडिया होता है, यानी कि वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ब्लड के अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। इसलिए नीचे के टाँकों को साफ रखना, हाइजीनिक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि टाँकों में दर्द हो रहा है तो आप टब के अंदर गर्म पानी डालकर उसमें बैठ सकते हैं, उसमें बीटाडीन या सेवलॉन डाल सकते हैं जिससे कि टाँकों का हाइजीन मेंटेन हो। और जब ड्राई हो जाते हैं टाँके तो उसके ऊपर जो आपको कोई ट्यूब दी होगी डॉक्टर ने तो वो ट्यूब को ज़रूर लगाना, जो कि एंटीबायोटिक क्रीम होती है, ऑइंटमेंट होता है, जिससे कि एक एंटीबायोटिक की लेयर उनके ऊपर बनी रहती है और वो सॉफ्ट भी रहते हैं क्योंकि स्किन ड्राई होने के बाद खिंचने लगती है, दर्द करने लगती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपको कब्जी है या टाँकों में दर्द की वजह से आप पॉटी नहीं जा पा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दीजिए। जनरली डॉक्टर्स आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन लिख के देते हैं, पीने का सिरप देते हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं दी गई तो डॉक्टर को रिपोर्ट कर दीजिए, आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्जे को दूर करने के लिए पेट साफ होने की दवाई ज़रूर दे देंगे जिससे कि आप जब भी टॉयलेट में बैठते हैं तो आपको फटाफट पॉटी आ जाए, सॉफ्ट पॉटी आए, पतली पॉटी आए, जिससे कि टाँकों पर जोर ना पड़े, दबाव ना पड़े और खिंचाव ना पड़े। पॉटी जाने के बाद टाँकों को अच्छे से क्लीन करना है, साफ करना है, सुखाना है और ऑइंटमेंट का एक लेयर लगा लेना है। चौथा काम आपको जो करना है कि जब भी आप डॉक्टर की विजिट के लिए जाते हैं तो जनरली ये घुलने वाले टाँके होते हैं, बट डॉक्टर से पूछ लीजिए कि क्या ये घुलने वाले हैं या निकालने वाले हैं। तो 99.9% ये घुलने वाले टाँके ही होते हैं, इसमें निकालने वाले टाँके नहीं लगाए जाते हैं। बट फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो 7 से 8 दिन के बाद इन टाँकों को निकाल दिया जाता है और उसके बाद आपकी थोड़ी लाइफ कम्फर्टेबल हो जाती है। और इन 7-8 दिनों के लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक और सूजन कम करने की गोलियाँ भी दे के भेजते हैं, तो दवाइयों को टाइम टू टाइम लेना होता है, दवाइयों को अवॉइड नहीं करना होता है, क्योंकि यदि आप एंटीबायोटिक की गोली नहीं खाते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो एंटीबायोटिक भी लेनी और सूजन कम करने की जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन आपको दी जाती है वो भी लेनी होती है। और इनके साथ ही साथ डिलीवरी के बाद जनरली खाना बहुत ज़्यादा ऑल्टर कर दिया जाता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है। जनरली लेडीज़ को केवल दलिया दूध दिया जाता है, खिचड़ी भी नहीं दी जाती या दालें नहीं दी जाती या सिंपल दाल पानी और सिंपल चपाती दी जाती है, जिससे कि न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता। और जब भी न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है।
होता है। इसलिए डाइट में आप हरी सब्जियां जरूर लीजिए, प्रोटीन जरूर लीजिए, खट्टे फल लीजिए, विटामिन सी विटामिन ए वाली चीज़ें, और फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स तो लेने ही लेने हैं। सुबह शाम दूध लेना है, दही लेना है, छाछ लेनी है, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर लीजिए, जिससे कि आपको होलसम अमाउंट में विटामिन ए बी सी डी ई सारे मिल जाएँ, इसके साथ ही साथ मिनरल और विटामिन और पोटेशियम वगैरह भी मिल जाए। जब तक कि आपको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलेगा तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो इन्फेक्शन होगा तो टांके पक जाएंगे, और टांके पकते हैं तो खुलकर उनमें मवाद पड़ सकती है, आगे जाके आपको काफ़ी सारी तकलीफ हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, टांकों को साफ रखिए, पैर जोड़कर बैठिए और टांकों को क्लीन करके सूखा रखिए, और जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है उनको टाइम पर ज़रूर ले लीजिए। फिर भी आपको लगता है कि आपका कोई सवाल इसमें रह गया जो कवर नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती है, हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।